ये है इनका रैन बसेरा मांझ जी का। यहाँ पे आजकल पानी पियेंगे और फिर अगला सफर शुरू करेंगे। और देखो चला गया। ओ यार मामा जी के पास आया पहले। ये रे जन्नत में पहुंच गए हम। पर जो सफर था भाई, उस सफर ने तो यार बिल्कुल ही थका दिया। अभी हम यहाँ पहुंचे तो भूख तो लगी गई है। क्या मास्टर सैफ है मांझी जी आपकी। और मांझी जी लगे हैं बाटा बोलने। तो भाई यहाँ पे हमें चंदा मामा दिख रहे हैं और यहाँ पे अपनी भीड़ भगनी दिखने लगी हुई है। छोटू भाई आगे उनके साथ हैं, पिछले वाली तरफ होंगे, परले वाली तरफ को पहाड़ी के। बाकी भाई ठंड है यहाँ पे, पूछो ही मत यार। चंदा मामा पे आज फिल्म आ रहा है, वो भी दिख रहा है। हाँ चंदा मामा पे ये चंदा मामा यहाँ पे मामा पूछ रहे हैं, बोला चंद्रयान दिख रहा है वहाँ पे जो उतरा है वहाँ पे नॉर्थ पोल पे। नहीं मामा जी यहाँ से दिख रहा है, रात के टाइम चांद नहीं आएगी तब देखेंगे, तब दिखेगा। हाँ अंधेरे में वो जो इस बीच में से दिखता है। हाँ और भाई मान जी जी अब रोटियां लग पड़े बनाने, आटा गूंद लिया हुआ है। एक्चुअली मैं ना यहाँ जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है दिन दिन में, दिन के उजाले में। और देखो यहाँ पे तवा रखा हुआ है। बाकी बस रोटी वैसे बन रही है भाई, जो यहाँ पे उपले हैं बने हुए पोटी की। ये किसकी पोटी है भाई, चूर याक याक के ना, याक होते हैं भाई ना इन पहाड़ों के में, लोगों ने छोड़े होते हैं ना याक। हाँ छः बज गए भाई। और जहाँ पे हम हैं अभी वहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। अभी भी सामने के पहाड़ों पे धूप बची हुई है, बस थोड़ी देर और होगी शायद से। और उस आगे वाली एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है भाई, पर चली जाएगी धूप अब। और ठंड है यहाँ पे यार, मतलब क्या ठंड है, गजब की ठंड। तेज़ हवा चलती है भाई यहाँ पे, बर्फानी हवा। वहाँ पे आ गई भीड़ बकरी, ये इधर ये आ गई, यहाँ पे सारी भीड़ बकरी है। मंत्रालय ले गया मेरा, दर्द लगी पर बेबसी, दवाई खा दी। तो भाई ये ले आए छोटू भाई सारी बकरियां। छोटू भाई तो भी वहां पे आ रहे हैं, पार वहां चले हुए हैं। और यार यहाँ पे भाई खड़ा नहीं हो जा रहा, यहाँ पे इतनी ठंड है। चलेगा धूपा भाई अब सामने से, अब तो भाई खूनी हवा चल पड़ी यहाँ पे। वो मांझी बड़ी बारी ठंड है, ठंड है मांझी के यहाँ पे नहीं। हाँ बाहर नहीं थी मामा, ठंड कुछ ही सर चुनी ठंड है। तो भाई ये सारी भेड़ बकरियां आ गई यहाँ पे। और रात अब धीरे धीरे होने लग पड़ी है, ज़्यादा ज़्यादा आगे अंधेरा होने लगा हुआ है। मांझी जी अपने कुत्तों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रोटियां बनाने लगे हुए हैं, बाकी आदमियों के लिए तो ये बना के रख ली यहाँ पे। और दाल तो चलो वाले तड़का लगाएंगे दाल के लिए। ज्यादा दूध है ना, मरी जाए ज्यादा दूध आते बच्चे। हाँ
तो भाई ये हमारे छोटू भाई आ गए, इन्हें सिटी मारी मुझे। छोटू भाई जा जा देख ले थे, छोटू भाई देख लिया मैं, ना सिटी बजाई ना तो कोई टैंगर मारी ना कोई भिसल। और छोटू भाई छोटू भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई जी। छोटू भाई दूध ले आए निकाल के बकरियों का, और छोटू भाई काफी हैंडसम और ब्यूटीफुल हो गए हैं इधर आके आजकल। तो क्या करना है यार, नहीं यार छोटू। तो भाई छोटू भाई ने चाय रख दी यहाँ पे, चाय पियेंगे और ऐसे मतलब पहाड़ों में बैठ के और ऐसे ऐसे मतलब चंदा मामा को देखते हुए, चंद्रयान को निहारते हुए यहाँ पे चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। मान जी देखो जानवर तो नहीं आया कोई, फेसबुक चला है फिर इंस्टाग्राम चला है इसरा पूरा टू जेड पता नहीं। ओए मार्क्स में हाजिरी करेगा दो तीन तक इंस्री आईडी पर फोटो पारे अपने एक बार एक पहले पैर ना हो इसके बाद नहीं इतना मेरा सा फोन तो भाई अभी हम चाय लगे हैं पीने और है बहुत ही ठंड है भाई यहाँ पे। आप बोलेंगे भाई तेरी ठंड ठंडी खत्म नहीं हो रही है भाई, मुझे ठंड लग रही है बहुत, अब क्या करना। दो दो तो मैंने जैकेट पहन ली हुई है, मुझे ध्यान नहीं रहा नहीं तो मुझे वो थर्मल वगैरह लाने चाहिए थे अपने ना सर्दियों वाले। क्या गुम हो गया मान जी? छुरा गुम हो गया, छुरी गुम हो गई इनकी। आया चाकू मेरे अंदर, एक चीज मैं छोटू अकड़ाई है रोटी खाने तेरा चाकू था मानो सी बजी यार। भाई यहाँ पे ना पानी बहुत खुला है, मतलब साथ में पल्लू तरफ एक ग्लेशियर से ऊपर कहीं पहाड़ों से पानी आ रहा है। तो मंज ने क्या किया कि पूरे कुकर को भर दिया दाल के साथ, इसमें पानी के साथ भर दिया, वहाँ सेक लगाई थी उसे। बाकी भाई मंज जी प्याज टमाटर काटने लगे हुए हैं, प्याज और टमाटर यहाँ पे मंज ने भाई टमाटर रखे हुए हैं। मंज का स्टैंडर्ड देखो मंज जी, पता टमाटर क्या रेट है जी? यार इतने महंगे टमाटर रखे हुए हैं आपने, 200 रुपये किलो बिक रहे हैं टमाटर। 300 रुपये किलो लाए हैं मान जी का स्टैंडर्ड देखो भाई। बैठे भाई। हाँ छोटू भाई, तो भाई 300 रुपये किलो मान जी ने टमाटर लाए हुए हैं, काटने लगे हुए हैं बढ़िया से यहाँ पे। तो भाई ये तड़का
लगाव लगने यहाँ पे जी। 36 प्रकार के तो मसाले रखे हुए हैं मान जी ने। 300 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं मान जी। प्याज क्या रेट है मान जी? यहाँ थोड़ा करो मान जी थोड़ा यार, डरो रब से। वैसे फ्लड आ रहे हैं हमारे हिमाचल में और आपने और लो 400 रुपए किलो प्याज हद दे यार। टमाटर चल मैं मान जाऊँ 300 रुपए पर, प्याज नहीं क्या करना छोटू भाई? हाँ इनकी बकरी की डिलीवरी हुई है भाई आज, उसके बच्चे को दूध पिलाना और दूध निकालने का काम करेंगे। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਾ ਲਾਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬੱਦਲ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਧੁੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕਟਿੱਟਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਖਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾ ਛੋਟੂ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਬੋਲਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੇ ਯਾਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋਤੀ ਤੋ ਛੋਟੂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾ चलो कुछ नहीं भाई अब यहाँ क्या करना, यहाँ ऐसे ही चलती है जिंदगी यार। तो भाई रात के 8:30 बजने लगे हैं और अभी हम लगे हैं खाना खाने। तो सब लोग अपने यहाँ पे मामा जी, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है मामा जी की कल के कंपैरिजन में, क्योंकि मामा जी ने ना दवाई खाई थी डायमोक्स। मान जी जी ये छोटू भाई हमारे यहाँ पे कैसे हैं छोटू भाई? बढ़िया भाई, खाओ खाओ आराम से। बाकी छोटू भाई भी खाना लगे हुए हैं खाने, ये चपाती हैं, ये दूध, और ये मैं खा रहा हूँ यहाँ पे दाल चपाती। हमने तो भाई अभी खाया था 2:30 बजे के आसपास खाना, तो इतनी भूख नहीं है फिर भी। और ये हम घर से रोटियां लेके आए थे मामा जी, तो ये है जो मतलब तली रोटी होती है हम बनाते हैं, जैसे मंडी में चलती है ज़्यादातर हमारे हिमाचल में, तो ये ले आए थे मां जी के लिए हम और छोटू भाई के लिए। तो भाई खा लेते हैं। बाकी चंदा मामा यहाँ दिख रहे हैं हमें सामने पे ऊपर, बस चंद्रयान नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सॉफ्ट लैंडिंग तो होगी पर हमें दिख रहा है यहाँ से अब। मान जी देखो जरा है चंद्रयान उधर है, ऊपर जाए ना ठीक है आधा है आधा है नहीं यार पूरा चंद्रयान उतारा है हमने, इसरो के वैज्ञानिक ऐसे थोड़ी हैं। मान जी कब सोएंगे आप? बस सब तैयारी है, आग तो खत्म है चूल्हे में, आग तो बड़ी है भाई। 10 बज गए रात के और हमें थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे थे खाना खाने के बाद, वैसे खाना तो हमने खा ही लिया था टाइम से। बाकी अब मैं लगाऊँ सोने यहाँ पे अपने स्लीपिंग बैग के अंदर, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी हमने अपना पावर बैंक वगैरह सब रख लिया, यहाँ पे चार्जिंग करनी पड़ेगी फ़ोन में, वैसे तो है मेरे फ़ोन में चार्जिंग अभी। बाकी मामा जी अपने लिए बिस्तर लगे हैं इस तरफ को बनाने, और मां जी आप कहाँ सोएंगे? बाहर बाहर सोएंगे, ठंड नहीं होनी बाहर? नहीं पर हमने तो कब्जा कर लिया आपके कमरे के ऊपर, अब बाहर सोना पड़ेगा आपको। चलो मां जी 2 दिन की बात है फिर हम चले जाएंगे। चल तो 4 दिन रहे मां जी, वेट पाड़ कुछ भी कर सकता है।
और छोटू भाई हमारे यहाँ पे, बाकी भाई चारों तरफ घना अंधेरा हो गया इस टाइम पे, सामने वाले पहाड़ों पे है पीछे पीछे चांदनी, बट मैं नहीं भाई उठूंगा, मैं सो जाऊंगा। और बड़ी अच्छी जिंदगी है यार इनकी। मां जी ठीक है ना जी? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बंद, यहाँ सबको बोल दो गुड नाइट ना। गुड नाइट भाई लोगों, लोग बहुत मिस कर रहे थे आपको। लोग तो बोल रहे बोले आपकी सेहत नहीं है अच्छी। कौन बोलते? सेहत नहीं है बोले अच्छी। लोगों दे वो ना, लोग तो कई कुछ बोले। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे हैं। फुल ऑन कैंपिंग भाई यहाँ पे। बोला मां जी का इलाज करा चाहिए है क्या? ये तो मैं कह रहा है ऐसे नर्व लगे रहा है, बट दे रहा है हूं यहां तो सर और ऊपर पूरा तो है जो नहीं है देख देख दे दे ये सर है ना अपना रखना दे बाजी दे रहा तेरे पेटू पर रखना गायत्री सात्री।